नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। प्री मानसून की प्रथम वर्षा से गौशाला हुई ध्वस्त। रामपुर कला की गौशाला जब बनकर तैयार हुई थी, तब धर्मेंद्र तथा महेश पंसारी ने बताया कि हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे खेत अति सूखे होने की वजह से बहुत सारी गाय आवारा फिर रही हैं। उनको खाने के लिए ना ही चारा है, ना ही पीने को पानी है। हमने सोचा कि रामपुर कला की गौशाला में उनकी सेवा होगी। जब जनवरी माह में क्षेत्रीय विधायक श्री मेहर मान सिंह रावत जी के द्वारा गौशाला का पंचायत में लोकार्पण कराया गया, पर इस गौशाला में गायों के लिए चारा है, ना ही पीने को पानी है, तो किस आधार पर लोकार्पण कराया गया, ये समझ से परे है। जब हमने श्रीमान एसडीएम महोदय जी के पास गए तो उनसे बोला कि हमारे यहाँ गौशाला बनी है, उसका विधायक जी ने लोकार्पण तो कर दिया है, पर पानी नहीं होने की वजह से बंद पड़ी है। अगर आप बोर करा दोगे तो हमारे यहाँ की गौशाला संचालित हो जाएगी। उन्होंने भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे गौशाला संचालित नहीं हो सकी। जब हमने देखा कि प्री मानसून की प्रथम वर्षा की वजह से गौशाला धराशाही हो गई, इससे यह प्रतीत होता है कि गौशाला का निर्माण घटिया किस्म का कराया गया है। अच्छा हुआ कि गौशाला संचालित नहीं हो सकी, अन्यथा कितनी गाय मरती इसका अंदाजा नहीं है। समाचार टू जेड के लिए मुरैना से हरेन्द्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये गौशाला बनकर जब तैयार हुई थी तो हमें बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गायें जो आवारा घूम रही हैं, उन्हें खाने को चारा नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इसमें लगा चलो उनकी सेवा होगी इसके अंदर में, और इस संदर्भ में माननीय मेहरमान सिंह रावत जी भी इसका लोकार्पण भी करके गए, उद्घाटन भी किया, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन इसमें न तो कोई गायें थी, न चारा था, न पानी थी, वो पानी के लिए बोरिंग भी नहीं है। फिर उन्होंने किस आधार पर इसका ओपनिंग किया, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं चाह रहा था कि ये चालू हो जाए, उन्होंने नहीं किया, वो कम हम कर दें। हम पानी के लिए भी श्रीमान एसडीएम साहब के पास भी गए, उनसे बोला था साहब इसमें बोरिंग करा दें और इससे पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो इस गौशाला हम संचालित कर लेंगे। पर उन्होंने भी हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौशाला आज तक मतलब उसमें बोरिंग नहीं हुई, पानी की व्यवस्था, पानी हवा में या गायें संरक्षण हो सकी। और अभी जल जलाया 9 तारीख को, थोड़ा प्री मानसून का पहला ही पानी था और उसमें ये पूरा ध्वस्त हो गया। देखिए कितना भयानक नज़ारा दिख रहा है, पूरा टी शर्ट उड़ा हुआ दिख रहा है आपको, सारा दिख रहा है। इसमें गायें होती तो इसमें पूरी बर, अभी जो तूफान आया तो सुल गई थी, और गौशाला ना कोई चारा है, ना कोई पानी का प्रबंध है। ये केवल जो गौशाला लगभग 14,98,000 रुपये से निर्मित की गई है, इसका निर्माण किया गया है, और इसका कोई सदुपयोग क्षेत्र की जनता को और ना ही इसका लाभ मिल रहा है, और ना ही आवारा पशुओं को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि शासन का जो है 15,00,000 रुपये इसमें व्यय हो गया है। और यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, लेकिन इसके बाद भी आज दिनांक तक ये गौशाला बंद है। और मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये गौशाला चालू की जाए, जिस क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, जो जान माल, जिनके जीवन खतरे में, जिनको चारा नहीं मिल रहा है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको जल्दी से इसमें पानी का प्रबंध किया जाए, चारे का प्रबंध किया जाए, और आवारा पशुओं को इस गौशाला को सही ढंग से संचालित किया जाए। बस मेरा